जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की टीम की जानकारी आ चुकी है। कोई इस टीम की जानकारी दें तो इस टीम में बहुत महीनों बाद में भारत के सुपर डुपर तेज गेंदबाज बुमराह की वापसी हो गई है। साथ ही टीम में रोहित शर्मा और किंग कोहली भी एक बार फिर से अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही टीम में एक खतरनाक खिलाड़ी की वापसी हुई है, जिसका नाम जानकर आपको बहुत ही हैरानी होने वाली है। तो अब वीडियो को आगे शुरू करें, उससे पहले मैं आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फरवरी 2025 में पाकिस्तान में खेली जानी है। फिलहाल इस बात को लेकर फैसला चल रहा है कि क्या टीम इंडिया पाकिस्तान की धरती पर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगी या फिर नहीं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के आपसी संबंधों के बाद में यह कह पाना मुश्किल है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में जाएगी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले वनडे फॉर्मेट में होने हैं और चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान में नहीं होकर दुबई में खेला जा सकता है। अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की बात करें तो हाल ही में जब भारत के भूतपूर्व स्पिनर हरभजन सिंह से टीम के बारे में पूछा गया तो हरभजन ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी खुद की एक टीम बनाई है। हरभजन सिंह ने अपनी तरफ से 11 खिलाड़ियों नाम बताए हैं जिनको आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में चुना जा सकता है। तो हरभजन की इस टीम के बारे में चर्चा करें तो हरभजन ने अपनी टीम में सबसे पहले कप्तानी के लिए रोहित शर्मा को रखा है। रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद से T20 से संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन अब रोहित शर्मा का अगला टारगेट 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है। साथ ही रोहित शर्मा की नज़र 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के ऊपर भी टिकी हुई है और जिसको लेकर लगातार रोहित शर्मा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे हरभजन की इस टीम में नंबर 2 पर नाम आता है शुभम गिल का। शुभम गिल जिसको टीम इंडिया का प्रिंस के नाम से जानते हैं, लेकिन शुभम गिल को वर्ल्ड कप 2023 में टीम में भी जगह नहीं मिली। लेकिन अब भी इसके बावजूद हरभजन सिंह के अनुसार चैंपियन ट्रॉफी में ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ में शुभम गिल को मैदान में उतरना चाहिए। शुभम गिल को हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम की कमान भी दी गई थी और जिम्बाब्वे के खिलाफ शुभम गिल ने T20 सीरीज 4-1 से टीम को जिताई। आगे इस टीम में नंबर 3 की पोजीशन पर खेलने के लिए चैंपियन ट्रॉफी में विराट कोहली को चुना गया है। किंग कोहली टीम में नंबर 3 पर हमेशा से अपनी भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2023 में किंग कोहली ने रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में आकर टीम को शुरुआत दी। लेकिन अब चैंपियन ट्रॉफी में किंग कोहली आप सभी को नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आगे नंबर 4 पर हरभजन की इस टीम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आया है, वह है केएल राहुल का। केएल राहुल जिसे वर्ल्ड कप 2023 में भी टीम में जगह भी नहीं मिली और केएल राहुल ने अपना अंतिम मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला था, लेकिन केएल राहुल वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए, जिसके चलते केएल राहुल को श्रीलंका के खिलाफ अंतिम मुकाबले से भी बाहर रखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी हरभजन सिंह को उम्मीद है कि केएल राहुल को चैंपियन ट्रॉफी में जगह मिल सकती है और साथ ही केएल राहुल चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाने वाले हैं। हरभजन सिंह ने आगे अपनी टीम में 5वें नंबर पर विकेट कीपर ऋषभ पंत को रखा है। अगर ऋषभ पंत के बारे में बात करें तो ऋषभ पंत ने टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन ऋषभ पंत इससे पहले 2022 का T20 वर्ल्ड कप और साथ ही 2023 का ओडे वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। लेकिन ऋषभ पंत ने 2024 के IPL में शानदार दमखम दिखाया और इसके साथ ही टीम में अपनी जगह बनाई और टीम को 2024 के T20 वर्ल्ड कप के कुछ मुकाबलों में संकट से बाहर निकाला। ऋषभ पंत की चैंपियन ट्रॉफी में जगह देखते ही बनती है, क्योंकि ऋषभ पंत आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं जो कि टीम को अंतिम 10 ओवरों में बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। इसके साथ ही ऋषभ पंत मैच फिनिश करने की काबिलियत भी रखते हैं और साथ ही साथ अगर ऋषभ पंत के बारे में बात करें तो ऋषभ पंत विकेट के पीछे से धोनी की तरह ही गेंदबाजों की मदद करते रहते हैं। टीम के बारे में अगर आगे चर्चा करें उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे हरभजन की इस टीम में नंबर 6 पर अक्षर पटेल का नाम रखा गया है और अगर वैसे देखा जाए तो अक्षर पटेल का नाम टीम में देखते ही बनता है, क्योंकि अक्षर पटेल इस समय बैट और बॉल दोनों से टीम को बहुत ज्यादा मजबूती देते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में शायद अक्षर पटेल की वो 21 बॉल में 47 रन की पारी सबको अच्छे से याद है। अगर उस फाइनल मैच में अक्षर पटेल अपने बैट से कमाल नहीं दिखाते तो आज शायद 2024 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया के पास नहीं होकर साउथ अफ्रीका के पास में होती। तो अक्षर पटेल के इसी ऑलराउंडर प्रदर्शन को देखकर अक्षर पटेल की टीम इंडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। अब आगे टीम में नंबर 7 पर रखा गया है टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या को कौन भूल सकता है, जिसने वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी गेंदबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका को लोहे के तने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। हार्दिक पांड्या के लिए T20 वर्ल्ड कप किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि इसी वर्ल्ड कप ने हार्दिक पांड्या
को एक बार फिर से क्रिकेट में वापसी कराई है, जहां पर हार्दिक पांड्या को आईपीएल में इतनी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, यहां तक कि लोग हार्दिक पांड्या को छपरी और हार्दिक पांड्या चोर है जैसे नारों से बोलने लगे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन सभी मुश्किलों का सामना हंसते हुए किया और साबित किया कि हार्दिक पांड्या टीम के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आगे अगर हरभजन की टीम में नंबर 8 की पोजीशन पर बात करें तो उस पोजीशन पर जडेजा को रखा गया है। जडेजा जैसा ऑलराउंडर चैंपियन ट्रॉफी टीम में कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को बताने के लिए जडेजा के रिकॉर्ड बहुत है। जडेजा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी जडेजा की टीम में बहुत बड़ी भूमिका है। जडेजा किसी मौके पर मैच को पलटने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे में जडेजा जैसे खतरनाक ऑलराउंडर को टीम से बाहर रखना किसी भी टीम के लिए मुर्खता साबित हो सकती है। आगे अगर टीम में स्पिनर की बात करें तो टीम में चाइना में कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। कुलदीप यादव अपनी फिरकी के जाल में अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को फंसा लेते हैं, इसी वजह से कुलदीप यादव को टीम में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे अगर टीम में नंबर 10 की पोजीशन पर बात करें तो नंबर 10 की पोजीशन के लिए मोहम्मद सिराज सही विकल्प बैठते हैं। मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी के दम पर पिछले कुछ सालों में शानदार दमखम दिखाया है। सिराज के साथ साथ बुमराह टीम की गेंदबाजी को जान देने के लिए टीम के 11 खिलाड़ी ग्रुप में जुड़ेंगे। बुमराह टीम इंडिया के पास में गेंदबाजी का ऐसा सूरवीर है जिसका तोड़ किसी भी टीम के पास फिलहाल तो है नहीं। टीम इंडिया के लिए बुमराह पिछले कुछ सालों से अपनी भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं। बुमराह ही वो गेंदबाज है जिसने 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को अपनी गेंदबाजी दम पर पछाड़ा था। तो इस तरह 2025 के चैंपियन ट्रॉफी के लिए हरभजन ने अपनी टीम का अनुमान लगाया है और देखना होगा कि हरभजन की इस टीम में कितने खिलाड़ी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टीम में होंगे, ये तो आने वाले समय बताएगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ आगे भी ऐसे जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें।